हेलो गाइस, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग चा आपका स्वागत है। तो आज है 21 नवंबर और 21 नवंबर को दिन के 10:09 पे मैंने ये ट्रेड ले लिया है। 43,800 का पुट मैंने यहाँ पे बाई किया है। 214 रुपये के प्राइस पे मैंने बाई किया है। 15 क्वांटिटी में 1 लॉट पे मैंने ये ट्रेड लिया है। अभी देखिए ट्रेड हमारा जो है कट टू कट प्राइस के आसपास चल रहा है। तो आइए पहले समझ लेते हैं ट्रेड लेने का लॉजिक क्या है, पुट क्यों ट्रेड लिया गया है। तो मार्केट अगर आप देखोगे तो आज 200 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ। देखिए ट्रेड लेते ही हमको जो है अच्छा खासा प्रॉफिट देखने लगा है, 200-250 रुपये का प्रॉफिट देखने लगा है। तो आज मार्केट जो है 200 पॉइंट जो है गैप अप ओपन हुआ। अब देखिए मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद धीरे धीरे करके नीचे की साइड आ रहा था। तो मार्केट जो है अपना गैप फिल करने को नीचे की तरफ भी जा सकता है। प्लस अगर आप चार्ट पे देखोगे ना तो मार्केट में ऊपर की तरफ भी एक गैप फिल करना बाकी रह गया है, जो कि आज से 2 दिन पहले जब मार्केट 500 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ था वो गैप अभी तक मार्केट ने फिल नहीं किया है। तो मार्केट को वो भी गैप फिल करने जाना है। तो अभी इसलिए मैं काफ़ी टाइम तो वेट किया, 10-10:15 तक जब मार्केट हो गया, जब धीरे धीरे मार्केट नीचे की तरफ जाने लगा तब मुझे लगा शायद मार्केट अपने जो है नीचे वाले गैप को पहले फिल करेगा, उसके बाद हो सकता है मार्केट साइडवेज हो जाए, इसलिए मैंने जो है यहाँ पे पुट बाई किया है। तो लेकिन हमको क्या करना है अपने, अगर मार्केट क्या है कि मतलब कि काफ़ी आसानी से नीचे की साइड जा रहा है तो ये काफ़ी ऑब्वियस सा ट्रेड बन रहा है। मतलब कि अधिकतर लोग इस ट्रेड को देखेंगे और उनके दिमाग में यही चीज़ आएगा कि मार्केट अपने गैप को फिल करने जा सकता है। तो ये एक तरीके का ट्रैप भी हो सकता है। तो लेकिन हमको ट्रैप्स को ध्यान में देकर ट्रेड नहीं लेना। अगर हमको लग रहा है कि यहाँ से अगर मार्केट अपने गैप फिल करने जा सकता है तो हम उस जो हमारा रिस्क रिवार्ड है गैप फिल करने अगर जाएगा मार्केट तो कम से कम अभी 150 पॉइंट मार्केट को फिल करना बाकी है। 100 से 150 पॉइंट अगर मार्केट 100 से 150 पॉइंट की तरह मूवमेंट देता है तो हमारा जो ऑप्शन 214 रुपये का हमने बाय किया है बड़े आराम से 320-340 हो जाएगा। तो मतलब 100 पॉइंट का हम जो है ऑप्शन में पॉइंट निकाल सकते हैं। नहीं अगर मार्केट अपोजिट साइड निकल गया तो हम क्या करेंगे, अपना लॉस देंगे। 20 पॉइंट का हम जो है अपना स्टॉप लॉस सोच के रखते हैं, 20 से 25 पॉइंट के बीच में जो स्टॉप लॉस सोच के रखते हैं वो हम जो है अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे। तो आइए आपको चार्ट पर दिखा देते हैं कि हमने कहाँ पर ट्रेड लिया था। तो देखिए मार्केट सुबह से मॉर्निंग जो है धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ रहा है और जो नीचे मार्केट को गैप फिल करना बाकी है। इस रेड कैंडल पर हमने जो है अपना ट्रेड लिया था और देखिए स्टॉप लॉस जस्ट उसी के ऊपर हमने रखा है। और जो अगर मार्केट अपने हाई को ब्रेक करता है तो नीचे वाले गैप को फिल करेगा, नहीं तो ऊपर वाले गैप को फिल करेगा। तो गैप फिल करने के लिए मार्केट किधर भी जा सकता है। देखिए बहुत तेज़ी से प्रॉफिट भी हुआ है, 300 तक का लगभग प्रॉफिट हमको दिखा दिया था मार्केट ने। और प्रॉफिट दिखाने के बाद तुरंत ही मार्केट जो रिवर्स हो गया। जब इस तरीके का सिनेरियो होता है कि एक तरफ मार्केट ब्रेकआउट देता है और फिर वापस से मार्केट रिवर्स होता है तो बहुत चांसेस हाई रहते हैं कि हमारे जो है स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है बहुत सारे लोग को एंट्री कराता है मार्केट और फिर मार्केट उसके अपोजिट साइड जाता है, क्योंकि लोग को लगता है कि नहीं मार्केट अब जो है हमने गैप फिल करने को जाएगा और बहुत सारे लोग इसमें एंट्री कर लेते हैं। जो अभी आपको प्रॉफिट दिखा रहा था उसी में लोग बहुत सारे लोग ट्रेड लेते हैं, मींस एंट्री करते हैं, तब मार्केट जो है ऊपर साइड निकल जाता है। तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है अपने ट्रेड में बने रहना है। जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस आएगा हम स्टॉप लॉस दे देंगे, जैसे हमारा जो है टारगेट आएगा तो हम टारगेट लेंगे। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, हमें अपनी चीज़ों को सिंपल रखना है। तो देखिए हमारा स्टॉप लॉस की काफ़ी करीब है तो हम जो है तैयार रहेंगे, क्योंकि मार्केट 1-2 दिन पहले काफ़ी तेज़ निकला था तो स्टॉप लॉस हमारा बड़ा हो गया था। इसके लिए हम जो है मार्केट में को कंटिन्यू देखते रहेंगे और जैसे ही स्टॉप लॉस होने को होगा तो हम जो है तुरंत अपना स्टॉप लॉस दे देंगे। ये 20 से 25 पॉइंट जो मैं कहता हूँ उसमें भी मैं देखता रहता हूँ क्या मार्केट उस 20 से 25 पॉइंट को सस्टेन कर पा रहा है स्टॉप लॉस को कि नहीं। कभी कभी क्या होता है एक स्पाइक बनाता है, कभी कभी मतलब एक 25 से 30 पॉइंट का स्पाइक बनेगा स्टॉप लॉस का और वापस मार्केट हमारी साइड में चलने आता है। तो क्या होता है वो स्पाइक में बहुत सारे लोग का स्टॉप लॉस कट जाता है। इसलिए मैं जो है मार्केट को कंटिन्यू देखता रहता हूँ और देखता रहता हूँ, ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि हमारा जो स्टॉप लॉस है मार्केट केवल खा के वापस हमारी साइड में तो नहीं निकलने वाला है, लेकिन अगर कंटिन्यू उस स्टॉप लॉस के आसपास बना रहता है और स्टॉप लॉस लेता है तो मुझे लगता है कि हाँ प्रॉपर हमारा स्टॉप लॉस है और इसको हमको दे देना चाहिए मार्केट को। तो अभी हम जो है मार्केट में हमारे स्टॉप लॉस के आसपास है। देखिए एक टाइम पे 20 पॉइंट के आसपास पहुंचा था, वापस से मार्केट रिवर्स हुआ तो अभी कंटिन्यू हमको जो है लॉस में दिखा रहा है मार्केट। तो देखिए मार्केट में जब भी अगर आपको लगता है कि स्टॉप लॉस होने वाला है तो स्टॉप लॉस ले लीजिए। अगर वापस से अगर आपको लगता है कि वापस से मार्केट आपकी साइड में है तो री एंट्री कर सकते हो या फिर अपोजिट साइड में भी जा सकते हो,
लेकिन इस बीच में अगर आपको ओवर आपको ये नहीं मालूम है कि आपको कब ट्रेड में री एंट्री करनी है, कब आपको रिवर्सल ट्रेड लेना है, तो आप ओवर ट्रेडिंग कर सकते हो। मैंने अधिकतर टाइम जो करता हूँ, मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ दिन भर में। कोशिश यही रहती है कि जिस दिन भी मैं प्रॉफिट करूँ, बड़ा प्रॉफिट करूँ, ताकि जो भी मेरा लॉसेस हो उस स्टॉप लॉस के अंदर, जो बड़ा ट्रेड है उसके प्रॉफिट के अंदर आ जाए। तो देखिए लगभग लगभग हमारे स्टॉप लॉस के आसी पास आ रहा है, तो हम यहाँ से अपना लॉस जो है बुक करने की तरफ तैयार रहेंगे। जैसे ही थोड़ा सा जो लॉस बड़ा दिखने लगेगा, हम यहाँ पर अपना लॉस बुक कर लेंगे। और यहाँ से उम्मीद नहीं लग रही कि रिवर्स होने वाला है हमारी तरफ। तो देखिए मार्केट ने हमको ट्रैप में फंसाया है, और मार्केट को पहले दिखाया कि हम जो है नीचे अपने गैप को फिल करने जा रहे हैं, लेकिन अब मार्केट ऊपर की साइड निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपना जो है लॉस बुक कर लेंगे। तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का ट्रेड क्या रहा, आप लोगों ने क्या प्रॉफिट एंड क्या लॉस किए, जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस रहे हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा, ताकि बाकी लोग को भी मान चले लोग क्या कर रहे हैं ट्रेडिंग में। तो देखिए अब काफ़ी देखिए अचानक से मार्केट में मूवमेंट आया, तो हम यहाँ पे अपना लॉस बुक कर लेते हैं। तो 335 रुपये का आज हमारा लॉस रहा। तो आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब है। थैंक यू, जय हिंद।